रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। भारी बारिश के कारण उफान पर नदियां, कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात, ऋषिकेश में रिहायशी इलाकों में भरा पानी। हिमाचल में लैंडस्लाइड और बादल फटने से 34 घटनाएं, 21 की मौत, रेलवे ब्रिज ढहा, मंडी, चंबा और कांगड़ा में स्कूल कॉलेज बंद। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई का दावा, एलजी की मंजूरी मिलने के 6 दिन बाद बदल दिए गए थे नए एक्सरसाइज पॉलिसी के नियम। शिवराज बोले, मुझे ये अहम नहीं है कि मैं योग्य हूं। संसदीय बोर्ड ने हटाने पर कहा, पार्टी कहेगी तो दरी भी बिछवाऊंगा, सोचा नहीं था सीएम बनूंगा। गुजरात कैबिनेट में 2 बड़े बदलाव, त्रिवेदी ने राजस्व विभाग लेकर सांधवी को सौंपा, पुलेश का सड़क एवं भवन मंत्रालय पंचाल को। ताजमहल बना बच्चों का स्विमिंग पूल, 30,000 पर्यटकों को ताजा ताज दिखाने में बिगड़ गई व्यवस्थाएं, पर्यटकों ने बारिश का उठाया लुत्फ। बीजेपी नेता को कांग्रेस रंगरलियां मनाते पकड़ा गया, पति पत्नी ने सास नेता और गर्लफ्रेंड के बीच सड़क पर चप्पलों से मारपीट, बाल नोचकर घसीटा। गाजीपुर में जवानिया स्टेशन के पास मालगाड़ी बेपटरी, ट्रैक बाधित, 3 घंटे तक जहां तहां रोकी गई ट्रेनें, दानापुर से सकल हीड़ा जा रही थी। हमीरपुर में हुई दरिंदगी में मंत्री को नहीं है जानकारी, विपक्ष कर रहा है जंगल राज की बात, पीड़िता का अब तक नहीं चल रहा पता। अमरोहा में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, चेहरे और सीने को जलाया, जमीन बेचने से किया था मना, 4 गिरफ्तार। पुतिन के राइट हैंड की बेटी की धमकाने धमाके में मौत, अलेक्जेंडर दुनिया का बेटी की कार ने उड़ाई यूक्रेन में, नए नागरिकों को अलर्ट। स्वीडन के शॉपिंग मॉल में फायरिंग, 1 की मौत, 2 घायल, शूटर का आतंकवादियों से कोई कनेक्शन नहीं। इमरान खान पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, अवैध फंडिंग मामले में पाक जांच एजेंसियों ने कसी नकेल। मेरी एक फैमिली लाइफ है, मैं जिंदगी में कभी डेक्स नहीं लेती, विवादों में घिरी फिनलैंड की पीएम सना मरीन का विरोध, विरोधियों ने को जवाब। 1982 के बाद भूमध्य सागर पर पानी सबसे अधिक गर्म, खतरे में समुद्री जीव, भूमध्य सागर के आसपास देखा गया तापमान बढ़ने, वैश्विक तापमान का संकेत। टीम इंडिया ने लगातार 4थे वनडे सीरीज जीती, दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया, संजू सैमसंग और शार्दुल रहे जीत के हीरो। एशिया कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी टूर्नामेंट से बाहर, वर्ल्ड का एक कोहली, रोहित और राहुल को किया गया था आउट। लंदन में चमकेगी चकदा एक्सप्रेस, भारत में भारत की फास्ट बॉलर जूनन गोस्वामी ने किया संन्यास का ऐलान, लॉर्ड्स में आखिरी वनडे खेलेंगी। सैमसंग ने वही किया जो धोनी करते थे, भारत को मैच जीतने के लिए लगाया छक्का और फैंस का दिल लूट लिया। भारत जिम्बाब्वे मैच के दौरान आपस में भिड़े भारतीय खिलाड़ी, मैदान पर हो गया कुछ ऐसा। कठपुतली ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अक्षय ने दी दमदार परफॉर्मेंस, कठपुतली की तरह डांस कर एक्टर ने जीता सबका दिल। केजीएफ स्टार यश नवाजुद्दीन के साथ करना चाहते हैं काम, एक्टर ने कहा मुझे नवाज अद्भुत कलाकार लगते हैं। कमाल आर खान ने ट्वीट में लगाया पत्नी का सरनेम, खान हटाकर लगाया कुमार, यूजर बोले यह बोल्ड डिसीजन है।
बॉलीवुड फिल्मों में खराब परफॉर्मेंस पर बोले अक्षय कुमार, मुझे समझना होगा कि ऑडियंस को क्या चाहिए और फिर बदलाव करने होंगे। नेटिजन के निशाने पर आई करीना कपूर, कहा मेरी वजह से बड़ी है रेलवे की आय। ट्रोलर्स बोले इनको रेलवे की पेंशन दिलवाओ। फिलहाल 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।